हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश नानवानी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज है 15th ऑफ नवंबर। कल हमने मार्केट में जितने भी लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, आज वो हमारा टारगेट तो अचीव हुआ, बट स्टार्टिंग के 5 मिनट की जो पहली कैंडल बनी उसी के अंदर बैंक निफ्टी ने 39,000 टच कर दिया और निफ्टी ने यहाँ पर 18,200 का लेवल टच कर दिया। तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिलने से रहा। किसी ने भी ये लेवल जो है ट्रेड नहीं किए होंगे, फर्स्ट 5 मिनट की मूवमेंट कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता है, इतनी फास्ट मूवमेंट आती है। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ी सी सेलिंग दिखाई और बाद में कंप्लीटली साइडवेज हो गया। तो आज एक अच्छा ट्रेड नहीं मिला, हमारे जो लेवल्स है वो फॉलो होने के बाद भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला, बट क्या यही लेवल्स कल फॉलो होंगे, क्या इन्हीं के बेस पे हम कल प्रॉफिटेबल ट्रेड फाइंड आउट कर पाएंगे, कौन से लेवल्स कल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन सब के ऊपर टेक्निकली एनालाइज करते हैं। साथ में आज मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर जो डिटेल के अंदर यहां पर एनालिसिस होता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, वो सारे एनालिसिस करके दिखाऊंगा। देखिए, टेक्निकली मार्केट यार साइडवेज रहा, अच्छे ट्रेड नहीं दिया, बट ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए होंगे, तो उसको हम डिटेल इन डेप्थ में एनालाइज करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पर टेक्निकली चार्ट पहले हम देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में हमने कल डिसाइड किया था कि 18,125 को ब्रेक करेगा, अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होके तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ये थोड़ा सा पहले ऊपर ओपन हो गया 18,140 के आसपास, और 18,200 का टारगेट जिसने फर्स्ट 5 मिनट देखे, उसके बाद में थोड़ी सी सेलिंग आ गई। अभी सेलिंग के अंदर आपको एक छोटा सा ट्रेड मिला होगा, मैंने ट्रेड नहीं किया इस चीज को। यहाँ पर एक सेलिंग आई, उसके बाद में यहाँ पर एक रेंज बनी, उसके बाद में यहाँ पर एक 50 पॉइंट का सेलिंग के अंदर प्रॉफिट मिला एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर। बट ये आज मैंने भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम मार्केट में बुलिश थे इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पर इसके आसपास सेलिंग कभी भी प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या किया है मार्केट ने, मार्केट ने हमारे लेवल को आज भी फॉलो कर रखा है। कौन सा लेवल था हमारा, 18,100 से लेकर यहाँ पर देखिए आप, कल की भी एक छोटी सी रेंज थी 18,090, इसके रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और आज भी यही इसके आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर लेवल्स की बात करें कल कैसे ट्रेड करें, तो यहाँ पर 18,200 आज हमारा पहला टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। उसके बाद में सेकंड टारगेट था 18,300 या 325 के आसपास, तो क्या 325 आएगा, उसके लिए कैसे ट्रेड करें, सिंपली जो हम ये रेंज बना के चल रहे हैं, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो इसी रेंज के ऊपर हम बाय कर सकते हैं और इसी रेंज के नीचे हम सेल कर सकते हैं। 18,070 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो और यहाँ पर 18,150 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। दोनों तरफ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके 18,150 के ऊपर बाय करते हैं तो 50 पॉइंट का पहला प्रॉफिट है 18,200 तक। 18,200 ब्रेक हो गया तो सेकंड टाइम आपको यहां पर 18,250 या 300 इजीली दिखेगा, क्योंकि यहां पर मार्केट बुलिश हुआ, इधर मार्केट ने एक रेंज बनाई है। अब ये रेंज अगर ऊपर निकलती है, 18,150 के ऊपर बाय करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा 18,300 तक का। सिंपल निफ्टी के लेवल से यहां पर बड़ा गैप अप गैप डाउन आ जाता है तो हमें अवॉइड करना है ट्रेड को। अभी यहां पर हम निफ्टी का यहां पर ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन पर हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास अभी करंट कौन सा लेवल चल रहा है, 18,100 का लेवल चल रहा है, ठीक है। 18,100 के लेवल पे आज क्या हुआ है, थोड़ी सी कॉल राइटिंग हुई है और कॉल राइटिंग थोड़ी सी हैवी हो गई है, 67,000 लॉट्स यहाँ पर टोटल अभी ओपन है। अभी अगर 18,070 के नीचे हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, अगर 18,070 से नीचे निकला तो 18,100 के ऊपर कॉल राइटिंग और ज्यादा एड होगी। जो यहाँ पर ऑप्शन सेलर है ना, जो यहाँ पर सेल करता है, वो हमेशा इंट्राडे में एट द मनी की पोजीशंस को सेल करता है, ये बात ध्यान रखना। हम टेक्निकली बोल रहे हैं 18,070 के नीचे मार्केट निकलेगा तो हम भी सेल करेंगे, अगर 18,070 के नीचे एक अच्छा सेल ट्रेड बनता है तो यहां पर 18,100 एट द मनी की कॉल्स को यहां पर ऑप्शन सेलर भी ट्रेड करेगा, जिस कारण से यहां पर 18,100 के ऊपर अच्छा खासा डेटा आ जाएगा। फिर यहां पर ये 18,100 का जो अभी का लेवल है ना, ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह बाद में काम करेगा। अभी 18,200 का लेवल भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, क्यों, 57,000 लॉट्स आज कॉल राइटिंग हुई है और टोटल 1,06,000 लॉट्स अभी तक ओपन है यहां पर पोजीशन, तो 18,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 18,150 के ऊपर जैसा मैंने आपको बताया बाय ट्रेड लेते हो तो यहां पर 50 पॉइंट का आपको यहां पर स्टॉप लॉस तो देना है, पर यहां पर 18,200 के आसपास अलर्ट भी हो जाना है कि यहां से वापस तो रिजेक्ट नहीं कर रहा है या यहां से ऊपर निकल रहा है, तो 150 के ऊपर बाय करते हो और 200 पहुंचता है तो कम से कम ये जो 50 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस दिया ना, इसको ट्रेल करके कॉस्ट पर ले आना ताकि आपको लॉस नहीं हो अगर मार्केट 18,200 से रिजेक्ट करके वापस नीचे गिरने की कोशिश करता है तो, ठीक है। तो यहां पर 18,200 भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है क्योंकि 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर आ चुके हैं कॉल राइटिंग की तरफ। अभी अगर हम यहां पर बात करें नीचे सपोर्ट की, 18,000 का सपोर्ट कल मैंने आपको बोला था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहां पर 1,00,000 लॉट अभी कल ओपन थे, कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 1,00,000 लॉट्स पुट की तरफ यहां पर 18,000 के ऊपर है, तो 18,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करता। आज क्या हुआ है, मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग देखकर
23,000 लॉट्स यहां पर पुट की अनवाइंडिंग हो गई है। पुट अनवाइंडिंग का क्या मतलब होता है, जिन लोगों ने पुट को सेल कर रखा था, जिन लोगों ने यहां पर ओपन इंटरेस्ट था, जिन लोगों ने पुट को सेल कर रखा था ये सोच के कि मार्केट 18,000 से ऊपर ही रहेगा, अब वो अपनी पुट सेल की भी पोजीशन को अगर एग्जिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पुट अनवाइंडिंग, या पुट की जो सेल की भी पोजीशन है उनको क्लोज करना। ठीक है, तो यहां पर 23,000 लॉट्स की यहां पर पुट के अंदर पोजीशन क्लोज भी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा डर है, पर अभी भी 81,000 लॉट्स अगर ओपन है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 18,000 आज थोड़े से लोगों को लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है, बट अभी भी 18,000 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि 81,000 लॉट्स अभी भी यहां पर एक्टिव है। सिंपल है, यहां पर आपको यह भी देखना पड़ता है, देखो इसके साथ में कि प्रीमियम के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी यहां पर ये वाला जो 18,000 का पुट ऑप्शन है, ठीक है, कल इसके अंदर 1,00,000 लॉट यहां पर ओपन थे, मतलब पुट राइटिंग लोगों ने करी हुई थी फ्राइडे से। ठीक है, अभी फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे का टाइम डिके जो होता है, यहां पर जो टाइम डिके होता है थीटा डिके, उसका प्रॉफिट लोगों को यहां पर दो दिन के अंदर मिला। देखिए यहां पर एक और पॉइंट ये भी समझने वाला है कि 18,000 जो 18,000 का हमारे पास पुट राइटिंग 1,00,000 थी, इसके कारण सपोर्ट था, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अभी इसमें हम देख रहे हैं कि -23,000 का यहां पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 23,000 लॉट्स की पोजीशन यहां पर लोगों ने अपनी एग्जिट कर दी। ये दो तरीके से निकल सकती है, एक तो हो सकता है यहां पर फियर कि थोड़ी सी सेलिंग देख के उनको लगा 18,000 का सपोर्ट ब्रेक होके मार्केट नीचे गिर जाएगा, जो हमने पुट बेच रखी है वो बढ़ जाएगी, लॉस हो जाएगा, इसको निकाल दो। ठीक है, एक तो हो सकता है फियर थोड़ी सी सेलिंग देख के, दूसरा यहां पर ये पॉइंट हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ सकती है, 23,000 जो लॉट्स यहां पर निकले हैं ये प्रॉफिट बुकिंग में कैसे काम करते हैं, सिंपली समझो यहां पर ये पोजीशन 18,000 की पुट राइटिंग लोगों ने कहां पर बनाई थी, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। अगेन यहां पर काफी अच्छा पॉइंट है एक सीखने लायक, 18,000 की पुट को सेल करने की पोजीशन लोगों ने यहां 17,950 में बनाई होगी जब यहां से मार्केट बुलिश किया। ठीक है, 17,950 से मार्केट ऊपर गया यहां पर 18,100 तक मार्केट यहां पर गया, 18,100 के आसपास लोगों को अच्छा पुट सेलिंग में प्रॉफिट मिला होगा जिन्होंने 18,000 की पुट को बेच के रखा है। आज मार्केट 18,200 आ गया तो भी 18,000 की पुट में और तगड़ा प्रॉफिट आया होगा। अभी इसको दिखाने के लिए मैं आपको यहां पर 18,000 की पुट का चार्ट भी दिखा देता हूं। 18,000 की 18 नवंबर की पुट का चार्ट हम यहां पर ओपन करेंगे। अभी यहां पर जब मार्केट बढ़ने लगा तो पुट कहां से गिरने लगी, पुट यहां से गिरने लगी, 125 के लेवल से पुट गिरने लगी। ठीक है, यहां से पुट गिरी, मार्केट बुलिश हुआ, लोगों ने यहां पर ऑप्शन सेल पुट के अंदर 18,000 के अंदर पोजीशन बनाई होगी, तो इनको सेम फ्राइडे वाले दिन 125 वाली 70 के आसपास आ गई। ठीक है, 70 के आसपास आ गई, आज मार्केट 18,100 से लेकर कहां गया, 18,200 तक गया, मार्केट 100 पॉइंट चढ़ गया। क्या 125 वाली पुट 75 रुपए गिरी तो 75 वाली पुट वापस से जीरो आई क्या, नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहां पर ये 30 रुपए तक गई, अभी चार दिन तीन दिन बाकी है इसको 30 रुपए से जीरो होने तक, तो जिन्होंने 125 पर बेचा है 18,000 के पुट को उन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की है, उन्होंने फियर के कारण नहीं निकाला है यहां पर कि 18,000 के नीचे मार्केट निकल जाएगा, ये पुट हमें अगेन लॉस दे देगी तो हम इसको एग्जिट कर देते हैं, नहीं। 125 रुपए, 120 रुपए, 100 रुपए जो भी इनको बेच के गए बुलिश मार्केट के कारण, वो 25-30 रुपए पर प्रॉफिट करके निकल गए। अभी यही लॉजिक आपको यहां पर ऑप्शन चेन पे भी समझना पड़ता है कि यहां पर अगर माइनस के अंदर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 18,000 का जो यहां पर सपोर्ट था अब वो वीक हो रहा है, 18,000 से नीचे मार्केट गिरेगा, इसका मतलब ये है कि 18,000 की पुट को जिन्होंने बेचा था वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के आज निकल चुके हैं, उन्हें अभी तक ये डाउट नहीं है कि 18 के नीचे मार्केट आएगा, पर उन्हें ये जरूर लग रहा है कि 18 की पुट ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुकी है, इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना बनता है। सिंपली देखो एक पॉइंट और समझो, हमने कल की वीडियो में बात की थी कि 18,100 के आसपास यहां पर पुट राइटिंग बिल्कुल नहीं थी, आज 23,000 लॉग यहां पर जो 23,000 लॉट्स 23,000 लॉट्स 18,000 से निकल गए तो और ऊपर उन्होंने सपोर्ट को शिफ्ट कर लिया, 18,100 के आसपास 19,000 लॉट्स भी सेल हुए, तो नीचे से निकलकर जो ऑलरेडी 25 रुपए हो चुकी है उसमें से निकलकर जो यहां पर 87 रुपीज के आसपास चल रही है ऊपर शिफ्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं बेयरिशनेस नहीं दिख रही है, अभी भी बुलिशनेस दिख रही है। अगर निफ्टी यहां पर 18,150 के ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा 18,200 के आसपास और उसके बाद में वापस से बुलिश हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि एट द मनी के आसपास भी आज यहां पर पुट राइटिंग हुई है,
19,000 लॉट्स की और नीचे के लेवल्स पर यहां पर पुट राइटिंग जो है अनवाइंड हुई है, मतलब नीचे प्रॉफिट बुक करके लोग और ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, पर अगर आप चीजों को वन बाय वन स्टेप के अकॉर्डिंग समझते हो तो काफी चीजें हेल्पफुल होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने में, लोगों की पोजीशंस को समझने में, मार्केट के ट्रेंड को समझने में। अभी हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं, इधर हमने बैंक निफ्टी ओपन किया, इधर आप देखेंगे सिंपली हमारा टारगेट था 38,820 के ऊपर निकलेगा, 39,000 तक हम इसको ट्रेड करेंगे, 39,100 भी ये होके आ गया, सुबह 15 मिनट की कैंडल में हमें ट्रेड करने को नहीं मिला उसके। अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो हमने कल इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंटली बात की थी, ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है इसका ब्रेकआउट ऊपर आया है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अगर मार्केट नीचे भी आया तो 38,500-36,000 के आसपास तक मैं बेयरिश नहीं हूं, नीचे 38,500 के आसपास बाय ऑन डिप करूंगा मैं, नीचे बाइंग ही प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर ब्रेक हुई है, अगर नीचे भी आती है तो अभी ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होगी, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी ये ट्रेंड लाइन नीचे रीटेस्ट करने आ सकता है, बिल्कुल आया है नीचे रीटेस्ट करने, यहां पर आया, यहां पर मार्केट साइडवेज हुआ। अभी कल अगर इधर से ऊपर निकलेगा, ऑलरेडी रीटेस्ट तो नहीं हुआ पर मार्केट नीचे आ चुका है टेस्ट करने और यहां पर एक रेंज बना चुका है, अगर ये वाली रेंज कल के दिन ब्रेक होती है बैंक निफ्टी के अंदर तो इसके ऊपर मैं वापस से ट्रेड करूंगा। क्या लेवल निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर ये भी मैं आपको बता देता हूं, 38,780, मतलब इस रेंज के ऊपर 38,800 के ऊपर निकला बैंक निफ्टी तो मैं वापस बाय करूंगा। फर्स्ट टारगेट डायरेक्टली मेरा क्या होगा, आज का हाई 39,100, 300 पॉइंट का प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी दे सकता है अगर 38,800 के ऊपर निकले ना, 38,700 की कॉल आप यहां पर ले सकते हो ऑप्शन की, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, पर उसके लिए मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए, गैप डाउन ओपन होके इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकल गया तो बेरिश हो जाएगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके गैप डाउन ओपन होके 38,800 के ऊपर निकला तो अच्छा खासा बुलिश होगा, 38,700 की कॉल ऑप्शन बाय ट्रेड भी ले सकते हो, अगर यहां पर ऑलरेडी गैप अप ओपन हो गया तो फिर 39,000 और 39,100 के आसपास हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, प्लान करेंगे मार्केट कहां जाता है कैसे करता है, क्योंकि आज 39,000 के आसपास रिजेक्शन भी आया तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स पर अभी फिलहाल वेट बनता है, अगर नीचे मिलता है अच्छे लेवल पे मिलता है तो हम जरूर बाय करेंगे। अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन भी हम यहां पर ओपन कर लेते हैं, इधर हमारे पास अभी मार्केट चल रहा है 38,700 के आसपास, 38,700 पे आज क्या हुआ है, कॉल राइटिंग ज्यादा कोई खास नहीं है, कॉल राइटिंग यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कहां है कॉल राइटिंग, 39,000 के आसपास 57,000 लॉट्स के कॉल राइटिंग आई है, मतलब 38,800 के ऊपर बाय करेंगे 39,000 या 39,100 के आसपास एक बार तो निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि 39,000 39,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी है डेटा के अकॉर्डिंग, 116,000 पॉइंट निफ्टी में मैटर करते हैं तो ये तो बैंक निफ्टी के अंदर है, बैंक निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी से यहां पर ट्रांजेक्शन और टर्नओवर के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी काफी बड़ा इंडेक्स है। ठीक है, तो 39,000 पे अगर 116,000 लॉट्स कॉल राइटिंग में ओपन है तो 39,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर, हो सकता है वॉलिटिलिटी के कारण 39,100 भी चला जाए पर थोड़ा सा फिर भी वहां पर रिजेक्शन लेगा। ठीक है, नीचे के सपोर्ट की बात करें हम यहां पर, तो सपोर्ट के अंदर डेटा कहां पर आया है, इधर भी यहां पर डेटा नहीं है, इधर भी नहीं है, 74,000 यहां पर वही 38,500 के आसपास है तो 38,500 एक स्ट्रॉन्ग अभी भी सपोर्ट है, 38,500 से नीचे काफी ज्यादा बेरिश हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना, सिंपली बैंक निफ्टी का लेवल है 38,500 सपोर्ट, 39,000 रेजिस्टेंस, 39,100-150 तक वॉलिटिलिटी क्रिएट कर सकता है, कम से कम 39,100 से ऊपर निकलेगा और ये जो 39,000 39,000 का जो यहां पर ये डेटा है 116,000 ये एग्जिट होगा तभी मार्केट बुलिश होगा, इससे पहले मार्केट बुलिश नहीं होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन और टेक्निकल्स आज इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेवल्स काफी इजी थे तो इजिली समझ में आ गया, पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर के जो ऑप्शन चेन था आज 3 से 4 ऐसे अच्छे पॉइंट्स हमें समझ में आए जो हमें मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने रीड करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं ऑप्शन चेन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट में कर सकते हो या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस, एक और बात करनी थी, ये जो हमारा एनालिसिस वीडियो रहता है ये 10 से 15 मिनट के आसपास रहता है। ठीक है, मोस्टली लोग जो है इसको 4 से 5 मिनट से ज्यादा वॉच नहीं करते हैं, मतलब वीडियो का 40% से ज्यादा वॉच नहीं करते हैं। अभी यहां पर YouTube का जो हमारा एल्गोरिथम है ना, YouTube का एल्गोरिथम अच्छी खासी YouTube चैनल ग्रोथ के लिए ये कहता है कि आपकी वीडियो 75-80% टाइम्स ड्यूरेशन वाइज वॉच होनी चाहिए, मतलब 10 मिनट का वीडियो है अगर लोग उसमें से 7 से 8 मिनट का वीडियो देखते हैं तो आपकी YouTube वीडियोस के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा YouTube की तरफ से। YouTube अलग से काफी
ज्यादा लोगों को आपकी वीडियो सजेस्ट करेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फ्री टाइम में देखिए, शुरू से एंड तक पूरा देखिए, कुछ ना कुछ आपको वीडियो के अंदर नया सीखने को जरूर मिलेगा। अभी मेरे पास और भी कंटेंट है जो मैं एनालिसिस वीडियो के अंदर ऐड कर सकता हूं, जैसे डेली बेसिस पर आईवी को यहां पर मैं एनालिसिस करके बता सकता हूं, एफआईआई डीआई डेटा को बता सकता हूं, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस नेक्स्ट डे क्या चूज करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इनके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं। बट अगर मेरे को वीडियोस के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो उसी के साथ मैं कंटेंट जो है धीरे धीरे और ज्यादा ऐड करता जाऊंगा। इसके अलावा जो मेरा एनालिसिस भी है ना, वो 80-85% रेट सही जाते हैं मेरे, और मेरे जो लेवल्स हैं अच्छे से फॉलो होते हैं वो आपने भी देखा होगा, नहीं तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं लास्ट वीडियोस को देखकर। सिर्फ ये एनालिसिस वीडियो देख के भी आपके 75-80% ऑप्शन ट्रेड सही जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए, और अगर आपके जो नॉलेजेबल कॉन्टेंट होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन भी है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।